मंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन शनिवार को वाराणसी में पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया। सपाइयों ने केक काटकर अपने नेता को जन्मदिन की बधाई दी। शहर दक्षिण विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी किशन दीक्षित ने लौराबीर स्थित काशी अनाथालय में बच्चों के साथ केक काटकर अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया। वहीं हुकुलगंज वार्ड में झोपड़पट्टी में गरीबों में फल वितरण किया। इसके अलावा शिवपुर विधानसभा के फुलवरिया गांव के समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव राजू यादव के नेतृत्व में पार्टी अध्यक्ष का जन्मदिन मनाया गया। सबसे पहले तो हम अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की पूरी बधाई देते हैं, पूरे कैंट विधानसभा की तरफ से और पूरी समाजवादी पार्टी। आज बहुत ज़्यादा हर जगह हर्षोल्लास के संग यह जो जन्मदिन है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वो हम लोग मना रहे हैं। मिर्जापुर थाना क्षेत्र के चित्रसेनपुर कछुआ रोड सब्जी मंडी के सामने NH 19 पर शनिवार की दोपहर सड़क पार करते समय ट्रक की चपेट में आने से 24 वर्षीय ठेला व्यवसायी की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिहार प्रांत के जिला व थाना सीतामढ़ी ग्राम खाका टोला निवासी पवन कुमार महतो कछुआ रोड सब्जी मंडी के समीप एक ठेले पर नाश्ते का दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। चित्रसेनपुर गाँव के सामने सब्जी मंडी के समीप किसी कार्य से पैदल ही सड़क पार कर रहा था कि इसी दौरान प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रहे ट्रक के चपेट में आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं। अपने संसदीय क्षेत्र में पीएम मोदी बनारस रेल इंजन कारखाना कैंपस के रेस्ट हाउस में निवास करते हैं। बरिका को प्रधानमंत्री का दूसरा घर भी कहा जाता है, मगर आपको हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जहां ठहरते हैं उससे थोड़ी दूर स्थित कंचनपुर कंधवा इलाके में बरिका की सड़कें कई साल से खस्ता हाल हैं। रोज ही कोई न कोई राहगीर इस सड़क पर गिरकर चोटिल होता है। केंद्रीय विद्यालय कंचनपुर, गणेशपुर, पहाड़ी मीरानगर, अवधपुरी, कृष्णा नगर, कर्मदेश्वर नगर, परमहंस नगर इलाके के लोगों की लाइफलाइन बरिका की सड़क सालों से दुर्दशाग्रस्त है। कितने सालों से यह समस्या है? 20-22 साल जी। तो क्या आप लोगों ने इसका शिकायत मंत्री तक लोगों को किया गया? कोई नहीं कहते हमारे पास बजट नहीं है। बजट रेलवे के पास कम होता है क्या? तो कितनी समस्याएं होती हैं लोगों को आने जाने पे? इससे बच्चे भी आते हैं केंद्रीय विद्यालय, बच्चे आते हैं, गिर जाते हैं बेचारे, छोटे छोटे बच्चे सेंट्रल स्कूल में पढ़ने वाले जी गिर जाते हैं। बरसात में क्या स्थिति रहती है इधर की? निकल नहीं सकते घर से, तो हम क्या स्थिति बताएं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने काशी में हुए जल भराव का जिक्र करते हुए 37 सेकंड का वीडियो अपलोड किया है, जिस पर अब वाराणसी नगर निगम ने जवाब दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के वीडियो ट्विटर पर नगर निगम ने शुक्रवार को जवाब दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने काशी में हुए जल भराव का जिक्र करते हुए 37 सेकंड का वीडियो अपलोड किया है। इसका जवाब देते हुए नगर निगम के ट्विटर पर शुक्रवार की फोटो अपलोड की। निगम ने लिखा कि उक्त स्थल भदौ चुंगी स्थित रेलवे डॉट पुल का है। यहां सड़क नीचे है और डॉट पुल के दोनों तरफ की सड़क ऊंची है। भारी बारिश होने पर पुल के दोनों तरफ वर्षा का पानी एकत्र हो जाता है, जो 20 मिनट में निकल जाता है। पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह पर कैंट थाना क्षेत्र के नदेसर में टकसाल के सामने हुए हमले के मामले में शनिवार को MP MLA कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में आरोपित बाहुबली विधायक अभय सिंह कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 जुलाई की तिथि निर्धारित कर दी है। बता दें कि वर्ष 2002 में नदेसर मार्ग पर दोनों बाहुबलियों का काफिला आमने सामने हो गया था। इस दौरान फायरिंग हुई थी। इस मामले में धनंजय सिंह ने हत्या की नियत से हमला करने का आरोप लगाते हुए अभय सिंह के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। धनंजय और अभय कभी मित्र हुआ करते थे। इस घटना नदेसर शूट आउट के नाम से बनना था, तो एक जो हमारे साथ सह अभियुक्त है इस केस में, उनके पिताजी का देहांत हो गया है, जिसकी वजह से वो आ नहीं पाए और आज बन नहीं पाया। 0.5 मीडिया प्रोडक्शन के बैनर तले बनी एक फीचर फिल्म निशंक के नाम से 1 जुलाई को YouTube जेनेक्स सोशल चैनल पर रिलीज हुई। इस फिल्म का उद्घाटन वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी ने अपने हाथों से किया। ये फिल्म 1 घंटे 15 मिनट की है, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता की प्रासंगिकता को एवं उसके उचित परिणामों को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। 0.5 मीडिया प्रोडक्शन की ओर से सुमिता पाठक ने बताया कि ये कहानी अर्जुन नाम के एक व्यक्ति की है, जो कि बनारस का निवासी है। वो अपने जीवन की कहानी से इतना परेशान हो चुका है कि खुद की जान लेने का फैसला करता है। आज बनारस की गौरव, बनारस की बेटी, हमारे परिवार की सदस्य सुमिता द्वारा जो आज फिल्म बनाया गया है, उसके प्रयास के जितना सराहना किया जाए वो कम है। तो विकट परिस्थिति में भी कैसे भागवत गीता का प्रण लेके कोई व्यक्ति अपनी प्रतिभा का कैसे
निखार सकता है, ये इस फिल्म में है। और सुमेधा द्वारा जो प्रयास किया है उसकी जितनी सराहना किया जाए वो कम है। क्या खास है सुमेधा ने जो विषय लिया है आज के परिवेश में भागवत गीता के परिप्रेक्ष्य में लेके, उसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे जीवन शैली क्या रहेगी, विपरीत परिस्थितियों में भी हमें साहस नहीं छोड़ना चाहिए, उसी विषय को लेकर फिल्म बनाई गई है। सावन मास शुरू होने जा रहा है, ऐसे में भोलेनाथ की नगरी काशी में कांवरियों व श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। इसको देखते हुए जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी एस राजलिंगम व एडिशनल सीपी संतोष सिंह ने शुक्रवार की रात विश्वनाथ कॉरिडोर में तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने सुविधाओं के बारे में जानकारी ली, साथ ही निर्देशित किया कि सावन में किसी भी श्रद्धालु को परेशानी का सामना न करना पड़े। दरअसल इस बार अधिक मास की वजह से सावन दो माह रहेगा, ऐसे में श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ होने की उम्मीद है। सावन के महीने प्रारंभ होने जा रही है, जिसमें कांवड़ियों के आगमन को लेके आज पूरे मंदिर के अंदर क्या क्या व्यवस्था है इसको देखने के लिए DI साहब भी आए थे, एडिशनल सीपी साहब भी आए थे, तो उनके साथ पूरा भ्रमण किया गया। नहीं, सारी व्यवस्था रहेगी, उनके सभी सुविधाओं के लिए भी रहेगी, और जितने भीड़ है उसको नियंत्रित तौर पे अंदर ले जाने के लिए भी व्यवस्था पूरी तरह तैयार। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर कांवड़ियों का जत्था दिखने लगा है। महादेव शिव को सावन माह में जल चढ़ाने के लिए दूर दूर से कांवड़ लेकर कांवड़िये निकलने लगे हैं। ऐसा ही एक जत्था शनिवार को वाराणसी रेलवे स्टेशन पर दिखा। ये जत्था झारखंड स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए निकला है। बता दें कि 4 जुलाई से पवित्र सावन माह शुरू हो रहा है, काशी में भी सावन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी। सावन में बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन व जलाभिषेक के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं झेलनी होगी। मंदिर प्रशासन भक्तों की सहूलियत के लिए तमाम तरह की सुविधाएं मुकम्मल कराने में जुटा है। मंदिर प्रांगण के अंदर कालीन बिछाई जा रही है, वहीं चलने फिरने में अशक्त बुजुर्गों व दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए व्हीलचेयर की भी व्यवस्था रहेगी। मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि इस बार सावन में कांवड़ियों के लिए विशेष व्यवस्था रहेगी। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के DGP विजय कुमार और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद शनिवार को वाराणसी पहुंचे। दोनों अफसरों ने सावन की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के प्रस्तावित दौरे पर 7 जुलाई काशी आ सकते हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री इस दौरान तकरीबन 3,000 करोड़ की कई योजनाओं की सौगात काशी को देंगे। इसमें विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री के कर कमलों से होना है। पीएम मोदी के विजन को मिशन की तरह साकार करने में जुटी योगी सरकार लोकार्पित और शिलान्यास होने वाली सभी परियोजनाओं की सूची तैयार करने में जुटी है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की थी। वहीं इन सबके बीच काशी का मोक्ष स्थल माने जाने वाले मणिकर्णिका घाट के जीर्णोद्धार और पुनर्विकास का काम भी शिलान्यास प्रधानमंत्री कर सकते हैं। प्रशासन प्रधानमंत्री के संभावित दौरे को लेकर अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने में जुट गया है। काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, आपके स्वास्थ्य से जुड़े समस्त समस्याओं का समाधान, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक, कार्डियोलॉजी, न्यूरोस्पाइन सर्जरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज एवं TPA की सुविधा, लैबोरेटरी सर्विसेज, ICU, NICU, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, एडवांस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड व एक्सरे की सुविधा, मेडिकल स्टोर, 24 घंटे डॉक्टरों की टीम मरीजों की सेवा में हमेशा तैयार, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा, S 17/329 नियर रोडवेज वर्कशॉप के सामने कैंट वाराणसी, 7081022111, 7081044111, सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल, चुने सबसे सुरक्षित सबसे विश्वसनीय। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।